नमस्कार दोस्तों, CS एजुकेशन YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे झील के बारे में, यानी कि लेक के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सारे तालाब देखे होंगे, नदियाँ देखी होंगी, बहुत सारे झीलें भी देखी होंगी, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी दिलचस्प झीलों के बारे में आपको हम आज बताएंगे। झील क्या है पहले उसे समझ ले हम। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, और झील की दूसरी विशेषता उसका जो स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन भी होता है, लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती है। भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। ये उच्च पर्वतों पर मिलती हैं, पठारों और मैदानों पर भी मिलती हैं, तथा स्थल पर सागर तल से नीचे भी पाई जाती है। फिनलैंड में दोस्तों, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड में तो इतनी अधिक झीलें हैं कि उसे झीलों का देश भी कहते हैं। यहाँ पर 187,888 झीलें हैं, जिसमें 60,000 झीलें बेहद बड़ी है। पृथ्वी पर अनेक झीले कृत्रिम हैं जिन्हें मानव ने विद्युत उत्पादन के लिए, कृषि कार्यों के लिए या अपने आमोद प्रमोद के लिए बनाया है। झीले उपयोगी भी होती हैं। दोस्तों झीलों का जो विज्ञान है उसकी जो शाखा है उसे लिम्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें झीलों का अध्ययन होता है। फिनलैंड हम आगे बता चुके हैं कि विश्व में इसे झीलों का देश भी कहते हैं। श्रीनगर जो है भारत में, इसे झीलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ सर्वाधिक सुंदर झीले हैं। उदयपुर है राजस्थान में, उसे झीलों की नगरी कहते हैं। चोलामू झील जो है उसकी ऊंचाई 18,000 फीट उसकी ऊंचाई है। यह झील सिक्किम में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इस झील से तीस्ता नदी निकलती है और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं। ऐसी ही एक झील है देवताल झील। यह झील उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सबसे ऊँची झील है। उलर झील, यह झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में झेलम नदी का पानी आता है और झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध तुलबुल परियोजना भी चल रही है। चिल्का झील जो है, क्षेत्रफल उसका 916 वर्ग किलोमीटर का है। यह झील ओडिशा में स्थित है। यह भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी तथा सबसे गहरी झील है। यह खारे पानी की झील है। यह भारत में सबसे बड़ी लैंगून तटीय झील भी है। इस झील के पास नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। हुसैन सागर झील, यह झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस झील के किनारे भारत के जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद स्थित है। दोस्तों कुछ भारत में राज्यवार झीले हम देखते हैं जो मुख्य झीले हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील है, उत्तर प्रदेश में फुलहर, गुजरात में खाराघोड़ा झील, केरल में अष्टमुडी झील, पुलिकट झील, हरियाणा में सूरजकुंड झील, दमदमा झील, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील है, सूरतताल झील है, नाको झील है, जम्मू कश्मीर में नागिन झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, मानस झील, उत्तराखंड में राकसताल झील, भीमताल झील, खुरपताल झील, मालाताल झील और सातताल झील है। ऐसे ही गोविंद सागर झील, यह झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी लंबी कृत्रिम झील है। यह झील भाखड़ा बांध से निकाली गई है और भाखड़ा बांध सतलज तथा व्यास नदी के ऊपर हिमाचल में स्थित है। यह झील हिमाचल प्रदेश को जल आपूर्ति कराती है। सांभर झील है, यह झील राजस्थान में स्थित है। यह भारत में नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है, जो कि भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उसका जो है वो नमक उत्पादित करती है। जयसमंद झील जो है, यह झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। यह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। इस झील में गोमती, रूपारेल, जामरी नदियों का पानी आता है। इस झील से शामापुरा तथा बाटभट्टा नहरें निकाली गई हैं। लोनार झील, यह झील बुलढाणा जिला महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। इस झील के बारे में यह माना जाता है कि इस झील का निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। कोलेरू झील, यह झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत तथा एशिया की सर्वाधिक आर्द्रता वाली झील है। डल झील, यह झील श्रीनगर में स्थित है। यह भारत की सबसे सुंदर झील है। यह भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है। इस झील के पास
भारत के प्रसिद्ध फूलों के बाग शालीमार बाग तथा निशांत बाग स्थित है। शालीमार बाग एशिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऐसी ही एक झील है लोकटक झील। यह झील मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इस झील में स्थित है। ऐसी एक झील है बेम्बानद झील। लंबाई उसकी 3.25 किलोमीटर है। यह झील वेलिंगटन द्वीप केरल में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। यह झील भारत में नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। और लोनार झील, यह झील बुलढाणा जिला महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। इस झील के बारे में यह माना जाता है कि इस झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख झीलों के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बेहद ही उपयोगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।